नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद में इन दिनों चल रहे सौंदर्यकरण के कार्य को भ्रष्टाचार का ऐसा भूत लगा है कि अच्छे अच्छे तांत्रिकों के इन्हें उतारने में दांत खट्टे हो रहे हैं। जी हां, इन दिनों बरही नगर परिषद में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत तालाब सौंदर्यकरण सहित बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के निखरने से पहले ही भूतों ने अपने आगोश में लिया है। अर्थात सुंदरता के लिए मिली मोटी रकम को परिषद सहित कामगार एजेंसी के मुखिया हजम करने में लगे हैं। यहां ऐसा पहली दफा नहीं है कि परिषद का परिसर गंदा होने का आरोप जड़ा जा रहा है, बल्कि पूर्व में भी सड़क निर्माण सहित परिषद की प्रमुखता में कराए गए कई कार्यों में जमकर लापरवाही और कल्याणकारी योजनाओं को मिली मोटी रकम के हजम करने की शिकायत सहित हो हल्ला हुआ है। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी व परिषद प्रमुख अनदेखी कर अपने सगे सौतेले भाइयों का भला कर रहे हैं। हाल ही में तालाब सौंदर्यकरण के कार्य हेतु खोदे गए पिल के गड्ढों को लेकर समाज सेवी व आमजनों का आरोप है कि महज फिट भर गहराई के गड्ढों में टिकी दीवार पूर्व की तरह कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। बीते साल रामलला मंदिर परिसर की दीवार धरने से कई गरीबों का आशियाना उजड़ा था। ऐसे निर्माण के नतीजे नुकसान के सिवा और किसी काम के नहीं। बरही से नीरज तिवारी। में मेरा यह कहना है कि शासन का जो भी पैसा आता है वह जनता के विकास कार्यों के लिए पैसा आता है। क्योंकि यह नगर का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है यह तालाब। यहाँ पर लोग पूजन हेतु सुबह स्नान करने आते हैं, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है आप देख सकते हैं आदरणीय, यहाँ पर ऊपर से सीमेंट लगाई गई है और यह पिलर यहाँ से टूट चुका था। आम यानी कि कहा जाए तो इन पिलरों की ना तो तराई हो रही है, ना तो इनकी ठीक तरह से देखभाल हो पा रही है कि ये मजबूत हो पाए। तो जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा आई इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस पिलर को आप देख सकते हैं, राड पूरी बाहर निकली हुई है। ऐसे में ये जो है जनता की पैसा का दुरुपयोग है और इस पर हमारी जो वर्तमान में कहा जाए तो माननीय विधायक जी का भी बहुत अच्छा उसमें पहल रहा है कि नगर का विकास हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, तो हम हृदय से विधायक जी के आभारी भी हैं। पर चूंकि जिस प्रकार से कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, तो मैं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नवल चतुर्वेदी, युवा समाज सेवी। जैसा कि आप देख रहे हैं यह नगर का बड़ा ही ऐतिहासिक तालाब है। इसका रकबा लगभग 52 एकड़ का है और यह तालाब नगर के लोगों के आस्था का केंद्र भी है। लोग यहाँ पर अपने धार्मिक आयोजन भी करते हैं और पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों का सपना था कि इस तालाब का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो। उसी के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत इस तालाब का लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ राशि से विकास हो रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी का भी सपना था कि हम इस तालाब को बड़ा ही सौंदर्य और रमणीक तालाब बनाएंगे ताकि यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोग आएं और तालाब का मुख्य पर्यटन बरही का बना रहे और यहाँ आनंद लें। लेकिन देखा जा रहा है कि ठेकेदार जो भी इस तालाब के निर्माण में संलग्न है, उनके द्वारा पूर्व में जो रोडें बनाई गई हैं वो पूरी तरह खराब रोड निकल गई हैं। अभी हाल ही में बनी 6 माह पहले जो रोड है वो भी पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। अब वर्तमान में ये पिलर बनाए जा रहे हैं, इसमें तार बाउंड्री फेंसिंग बाउंड्री होगी और ये पिलरों की भी गुणवत्ता नहीं है। गड्ढों का आकार छोटा है, पिलर में मसाला बहुत कम लगाया जा रहा है। कुल मिला के टोटल गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। यह कार्य ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और टिकाऊ भी नहीं रहेगा। लगातार लोगों की शिकायतें, लगातार पत्रकारों के द्वारा इसकी आवाज़ उठाती जाती रही है, परंतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह नगर के लोगों के बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, इस तालाब का जो भी निर्माण कार्य हो बड़ा ठोस हो, जो आगामी आने वाले कई वर्षों तक लोगों के सामने टिका रहे, बस यही हम चाहते हैं। चूँकि वार्ड नंबर इसमें 2 लगते हैं, एक 4 नंबर में भी आता है और कुछ 8 नंबर में एक हिस्सा आता है,
और ऐसा करके दो वार्डों के बीच में स्थित है यह तालाब और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा स्थल है। बस इसे बहुत अच्छी सोच के साथ संवारने की जरूरत है। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौंदर्य का एक प्रतीक साबित होगा। नाम क्या है? मैं रजनीश नामदेव, समाज सेवी बरेली। अभी पता चला पेपर वगैरह माध्यम से और यहाँ पर आकर हमने देखा कि तालाब के जो सौंदर्यीकरण का कार्य है 1.74 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है, जिसमें तालाब सौंदर्यीकरण का जो बरही नगर के बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और वर्षों से हम सभी और नगर के समस्त लोगों और युवाओं का सपना था कि तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य हो और बरही का जो तालाब है ऐतिहासिक रूप से तालाबों में शुमार हो। तो निश्चित रूप से माननीय क्षेत्रीय विधायक की मनसानुरूप कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1.74 करोड़ की राशि जो है तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृत हुई है और निर्माण कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो गया है और उसी निर्माण कार्य के तहत यहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और उन कामों में जो है गुणवत्ता विहीन कार्य जो है ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और जो उत्तम कार्य की देखरेख होती है वह नहीं की जा रही, अनदेखी करके जो है गुणवत्ता विहीन कार्य का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से निवेदन है कि लंबे अंतराल के बाद 1.74 करोड़ के सौंदर्यीकरण की जो राशि है वह तालाब के नाम से पास हुई है, तो निवेदन है कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और ऐसे तालाब का निर्माण हो कि इस तालाब यह तालाब जो है मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर तालाबों में शुमार हो। यह काम लगभग 15-20 दिन हो रहे हैं इसको चलते हुए, बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य अभी चालू हुआ है, बीच में भगवान नदी होनी है और अच्छी लाइटिंग भी लगेंगी यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बरही नगर के लोगों के लिए एक पर्यटन जैसा स्थल बनेगा जहाँ पे लोग शाम को और रात में निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकते हैं। नाम क्या आपका? प्रवीण त्रिवेदी डब्बू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, कटनी।